आज बनाते हैं लॉकडाउन डेजर्ट चॉकलेट से। बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट है जो आपको आसानी से मिल जाएंगे, कोई फैंसी चीज नहीं है। जैसे कि ये चॉकलेट बिस्किट आते हैं ना नॉर्मल वाले, वो ही लिया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये एक कप दूध एंड इसमें मेरे पास 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर है, मैं वो लेती हूँ और चलते हैं पकाने। अब ये एक पैन में मैं ये दूध डाल देती हूँ। ये एक कप दूध है, ये मेजरिंग कप वाला जो कप आता है ना, वो वाला एक कप दूध है। हाँ, तो ऐसा ना कीजिएगा कि चाय का कप ले लिया या तो फिर कोई कटोरी ले ली, वो एक कप नहीं बोलती हूँ। जब भी मैं एक कप या एक टेबलस्पून टीस्पून बोलती हूँ ना, सो दैट इज मेजरिंग कप एंड मेजरिंग स्पून। तो अब इसको, दूध को हम गर्म होने देते हैं और मैं ये चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये मैंने है ना इंस्टेंट कॉफ़ी ली है जिसको थोड़े से पानी में डायल्यूट कर दिया है। ये 1 टीस्पून मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी ली है, इसको पानी से डायल्यूट कर दिया है। बिकॉज जब भी आप चॉकलेट का कोई डेजर्ट बनाए ना, जस्ट ट्राई एंड ऐड पिंच ऑफ कॉफ़ी पाउडर एंड पिंच ऑफ सॉल्ट ऑल्सो। आपको लगेगा सॉल्ट, बट हाँ वो स्वीटनेस को एकदम एनहांस कर देता है। तो चॉकलेट के साथ कॉफ़ी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो अभी ये मेरा दूध गर्म हो रहा है, उसके अंदर मैं डालूँगी ये 1 चम्मच शक्कर, नॉर्मल शक्कर है जो हम घर पे चाय में डालते हैं ना, वो ही वाला है। और गरम होने देते हैं। और अब है ना मैं ये 1-2 चम्मच दूध इसमें से लेके ये जो कॉर्नफ्लावर था ना उसमें मैं डाल देती हूँ, ताकि जब हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे ना तो लम्स ना पड़े। जैसे कि मैं ये पहले डाइल्यूट कर देती हूँ, वरना क्या होगा ना, सीधा कॉर्नफ्लावर आप दूध में डाल देंगे ना तो बड़े बड़े लम्स आ जाएंगे और वो लम्स कभी भी टूटेंगे नहीं, फिर आपका डेजर्ट पूरा सत्यानाश। तो ये लीजिए, ये हमने घोल दिया है। दूध हल्का हल्का गर्म हो रहा है और अब मैं डाल देती हूँ ये इंस्टेंट कॉफ़ी उसके अंदर, और अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये देखिए, ये 1 चुटकी जितना नमक। दैट्स इट, ये 1 चुटकी नमक है ना आपके डेजर्ट को टोटली चेंज कर देगा। और अब ये गया कॉर्नफ्लावर। जैसे ही आप कॉर्नफ्लावर डाले ना, इसको तुरंत ही मिक्स करते जाइए, क्योंकि कॉर्नफ्लावर वरना बॉटम में जाके चिपक जाता है। ये देखिए, आप इसको ऐसे स्टर करते रहेंगे ना तो थोड़ी देर में ये वाला मिक्सचर जो है ना वो काफी थिक हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा कस्टर्ड। ये वाला मिक्सचर है ना, गाढ़ा होने के लिए आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे। जब आपको पता चलेगा ना कि क्या तैयार हो गया, ये जब स्पून को कोट करेगा, ये देखिए अभी स्पून बिल्कुल ही ऐसे रनी है, कोट नहीं कर रहा है, तो इट्स नॉट डन। देखिए ये अभी कितना गाढ़ा हो गया है ना, दिस इज लाइक परफेक्ट। ये एक्चुअली अभी ये गर्म है इसलिए थोड़ा सा भी रनी लग रहा है ना, पर ये जैसे ही ठंडा होगा ना और भी गाढ़ा हो जाएगा। बस ये रेडी है। अब मैं ये जो कस्टर्ड बन गया है ना इसको यहाँ पे ले आती हूँ। अभी आप बोलेंगे कि भाई चॉकलेट कहाँ है, तो अभी अगर लॉकडाउन नहीं होता ना तो मैं कुकिंग चॉकलेट यूज़ करती, बट सिंस इट्स अ लॉकडाउन कुकिंग चॉकलेट कहाँ ढूंढूँ मैं, तो मैंने ये जो नॉर्मल वाली चॉकलेट आती है ना ये ली है। ये देखिए उसके कुछ पीसेस लिए हैं, तो मैं अब इसके अंदर डालूँगी। ये कस्टर्ड बहुत गर्म है, बस उसी टाइम पे चॉकलेट के पीसेस इसमें डाल देंगे और ये अपने आप मेल्ट हो जाएगी। तो ये इसको हम स्टर करते रहेंगे ना तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ये चॉकलेट कितनी अच्छे से मेल्ट हो रही है ना, ये देखिए। इसको मैं ऐसे कंटिन्यूसली स्टर करती रहूँगी तो ये चॉकलेट भी मेल्ट हो जाएगी और हमारा कस्टर्ड ठंडा भी हो जाएगा। बस इसके बाद हमें सीधा इसको असेंबल करना है। सी यू कैन सी दैट
कस्टर्ड का कलर भी चेंज हो गया, पहले बहुत लाइट कलर था, अभी चॉकलेट पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है। ये कस्टर्ड ठंडा भी हो गया है और अच्छा खासा थिक भी हो गया है, एकदम लग रहा है ना जैसे चॉकलेट का वॉल्केनो फूट रहा है ना। तो अब कुछ नहीं करना है, ये जो चॉकलेट वाले बिस्किट थे ना, जो मैंने बोला था ये नॉर्मल वाले बिस्किट लिए थे, इसका ही मैंने मिक्सी में चूरा बना दिया है, दैट्स इट। तो अब हम लेते हैं ये छोटे छोटे से ग्लास, आप चाहो तो बड़े ग्लास में भी बना सकते हो, बट देन इट विल बी लाइक टू मच कैलोरी इन वन टाइम। तो मैं ये छोटे ग्लास ले रही हूँ, इसके अंदर पहले ये डालेंगे कुछ बिस्किट का चूरा और देखेंगे इसका लेवल, फिर मैं डालूंगी ये कस्टर्ड। ज़रा ध्यान से कि ग्लास खराब ना हो। हाँ ये देखिए, ये गया कस्टर्ड। आप चाहो तो ये टाइम पे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, कैश्यूज, वॉलनट्स, आलमंड, जो आपको अच्छा लगे ना आप वो डाल सकते हो। मैं एकदम ही प्लेन रख रही हूँ, सिंपल चॉकलेट। ये देखिए, ये वापस एक बिस्किट का लेयर, ये सबसे ऊपर वापस से डाल देंगे चॉकलेट कस्टर्ड। ये देखिए, कोई बोलेगा कि ये लॉकडाउन में बनाया है और बस कुछ ही चीजों से बनाया है, एकदम प्रोफेशनल वाला टच है। तो वापस से मैं सेम प्रोसीजर रिपीट कर रही हूँ। और अब हमें क्या करना है ना, अब हमें करना है थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि अब मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज के अंदर। आपके फ्रिज पर डिपेंड करता है, एटलीस्ट एक घंटे से दो घंटा आप इसको फ्रिज में सेट होने दीजिए और फिर इसको ठंडा ठंडा खाएंगे ना, सच बोल रही हूँ, मजा आ जाएगा। तो ये डाल देते हैं फ्रिज में। चॉकलेट को थोड़ा सा शेव कर लेती हूँ, ये नॉर्मल वाला जो शेडर आता है ना, मैं वही और कुछ फैंसी यूज नहीं कर रही हूँ, इससे ऐसे ही शेव कर लेते हैं चॉकलेट को। ठंडी चॉकलेट अगर होगी ना तो आसानी से शेव हो जाएगी। ये देखिए, अच्छी खासी हमें चॉकलेट शेव मिल गया, सेट भी हो गया है, अमेजिंग। और ऊपर से ये जो चॉकलेट हमने शेव की थी ना, बस मैं वो रख देती हूँ, और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, हमें थोड़ी सी चॉकलेट की शेव रख देंगे। तो तैयार है लॉकडाउन स्पेशल चॉकलेट डेजर्ट। इसमें ना चम्मच डालने को मन नहीं हो रहा है, ना सुपर्ब लग रहा है। हेवन अगर कहीं पे है ना, यही है।